बच्चों, आज की वीडियो में हम कुछ स्पेशल इंटीग्रल्स जैसे 1 अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और 1 अपॉन अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप इंटीग्रल्स की इंटीग्रेशन करना सीखेंगे। इसमें आप देख रहे हो दोनों टाइप्स में नीचे क्वाड्रेटिक है पॉलिनोमियल आपका, और एक विद स्क्वायर रूट साइन है और एक विदाउट स्क्वायर रूट साइन है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले जो क्वाड्रेटिक है इसको आपको कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में लिखना होगा, जो हमने 10th क्लास में भी सीखा था। तो इसके लिए आप क्या करोगे, तो इसमें मैं एक क्वेश्चन ले रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 10 है आपकी एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 7.4 का। 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 dx। तो अब मुझे इसका कंप्लीट स्क्वायर इस की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। तो जो इसमें एक्स का कोफिशियंट है, उसके लिए मैंने आपको उस दिन ऑनलाइन क्लास में भी बताया था, एक्स का जो कोफिशियंट है उसका हाफ करेंगे और फिर उसका स्क्वायर करके जो नंबर आएगा उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में देखो, मैंने यहाँ लिख रही हूँ मैं 1 अपॉन स्क्वायर रूट साइन हम लेकर चलेंगे हर बार, एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब एक्स 2x में एक्स का कोफिशियंट क्या है, 2 का हाफ 1 और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 स्क्वायर ऐड कर दिया, 1 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया, प्लस 2 जो आपका पॉलिनोमियल में पहले से था। ठीक है, तो अब आप देखो ये वाली जो क्वांटिटी है ये एक्स स्क्वायर 2x प्लस 1, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ। x प्लस 1 का होल स्क्वायर जब आप ओपन करोगे देखो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 यही आएगा, माइनस अब आप 1 स्क्वायर प्लस 2, 1 स्क्वायर यानी 1 प्लस 2, तो जब आप सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, 1 प्लस 1, और 1 को मैं 1 का स्क्वायर लिख सकती हूँ। तो अब आप, मैंने ये वाली टाइप आपको भी थोड़े दिन पहले ही इसका एक फॉर्मूला लिखवाया था, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर वाली टाइप है। इसका देखो हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर अंडर द रूट डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर सॉरी एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस सी। तो अब यहाँ पे देखो हमारा x की जगह है x प्लस 1 और a की जगह है 1, तो क्या बन जाएगा, लॉग मॉडुलस ऑफ x प्लस 1 प्लस अंडर द रूट x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस सी। अब इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, x प्लस 1 एज इट इज आ जाएगा और x प्लस 1 का जब स्क्वायर हम ओपन करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस 1, और जब इसको और सिंप्लीफाई किया तो एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 2 अंडर द रूट। आप देखो ये वही चीज़ है, मैंने उस दिन भी बताया था कि ये जो ऊपर इंटीग्रल में होता है वही सेम चीज़ नीचे आ जाएगी आपकी स्क्वेयर रूट के साइन के नीचे। अब क्वेश्चन नंबर 12, इसमें भी देखो 1 अपॉन अंडर रूट 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वेयर, ये भी वही टाइप है स्क्वायर रूट के साइन के नीचे पॉलिनोमियल है, बस इसमें आपका जो एक्स स्क्वेयर है वो नेगेटिव साइन के साथ है, तो और इसलिए मैं इसको पहले लिख रही हूँ विद माइनस इसमें से कॉमन लेके, तो आपका ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस पॉजिटिव साइन का हो जाएगा और 6x प्लस प्लस माइनस 7 अंडर द रूट, ये सब स्क्वायर रूट के साइन के नीचे है, माइनस आपने माइनस लिख के ब्रैकेट यूज़ करनी है। ठीक है, और अब आप ध्यान से देखना, ये आपका सेम चलता रहेगा, बस जो हम आपका पॉलिनोमियल ये वाला है इसको आपने कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है, वही आपका मेथड जो अभी हमने पहले क्वेश्चन नंबर 10 में किया था। 6x, x का कोफिशियंट कितना है यहाँ पे, 6, 6 का हाफ करेंगे, 6 का हाफ करेंगे वो कितना आ जाएगा, 3, और 3 का स्क्वायर 9, तो 3 स्क्वायर देखो मैंने ऐड कर दिया और 3 स्क्वायर ही सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस 7, फिर 1 अपॉन अंडर रूट माइनस ब्रैकेट्स के अंदर है आपका एक्स, अब ये देखो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, एक्स प्लस 3, आप ये देखो ये एक्स स्क्वायर है, ये फर्स्ट फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म का स्क्वायर, और जब हम
इसको मैं क्या दोनों तीनों पॉजिटिव हैं तो x प्लस थ्री का होल स्क्वायर, जब आप इसको ओपन करोगे तो देखो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस नाइन वो यहाँ से आएगा, और जब प्लस टू इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म यानी सिक्स एक्स वो ये रही, ठीक है। तो माइनस, अब थ्री स्क्वायर कितना होता है नाइन, माइनस सेवन, फिर आगे और सिंप्लीफाई करेंगे, इंटीग्रल वन अपॉन अंडर द रूट माइनस ब्रैकेट एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर, ये हम पहले ही लिख चुके हैं, और ये जब सिंप्लीफाई करेंगे माइनस सिक्सटीन। अब मैं क्या कर रही हूँ, फिर से जो माइनस साइन हमने कॉमन लिया था, बाहर निकाला था, उसको फिर से अंदर मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। तो अब आपका जो सिक्सटीन है माइनस का वो पॉजिटिव प्लस का 16 हो जाएगा, और जो ये प्लस वाला है ये माइनस एक्स प्लस थ्री होल स्क्वायर। अब आपको ये कौन, और 16 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 4 का स्क्वायर लिख सकती हूँ। अब हमें ये कौन सी टाइप दिखाई दे रही है, 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और जिसका हमारे पास क्या फॉर्मूला है, इंटीग्रल डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो साइन इनवर्स x की जगह हमारा है x प्लस थ्री और a की जगह है 4, तो x प्लस थ्री अपॉन 4 प्लस सी। बेटा आपने दोनों क्वेश्चन की वीडियो ध्यान से देखनी है, और कुछ भी अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे मैसेज करके या फ़ोन करके पूछ सकते हैं।